जनपद रुद्रप्रयाग में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने अगस्त मुनिनगर और ग्रामीण मंडल की सक्रिय सदस्यता अभियान की संयुक्त कार्यशाला का दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि सभी कार्यकर्ताओं को मेरा बूथ सबसे मजबूत परिकल्पना के साथ काम करना है, साथ ही कार्यकर्ताओं को सक्रिय सदस्य बनने के लिए 50 प्राथमिक सदस्य बनाने नितांत अनिवार्य है। इसके आगे उन्होंने कहा कि केदारनाथ विधानसभा उपचुनाव के लिए जल्द ही प्रत्याशी घोषित होगा। पार्टी संगठन से लेकर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं में बड़ा जोश है। उन्होंने जीत का दावा करते हुए कहा कि भाजपा केदारनाथ सीट को बड़े आंकड़े से जीतने जा रही है। जैसे ही पार्टी प्रत्याशी के नाम का ऐलान होगा तो सभी लोग नामांकन के दिन उत्साह के साथ मौजूद रहेंगे। रुद्रप्रयाग से सत्यपाल नेगी की रिपोर्ट। आज अगस्तनी के अंदर अगस्तनी नगर अगस्तनी ग्रामीण की बैठक थी। अब पार्टी नामांकन की और बढ़ रही है। पार्टी प्रत्याशी घोषणा होते ही हम लोग भव्यतम नामांकन उखीमठ के अंदर करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के साथ साथ सभी कार्यकर्ता उस नामांकन में उपस्थित हों, आम मतदाता उपस्थित हो और नामांकन के दिन ही भारतीय जनता पार्टी की जीत प्रदर्शित हो, इस भाव के साथ बैठक के देते। साथ साथ आगामी दिनों के अंदर बूथ के प्रबंधन बैठकें होनी है, बूथ कमेटी की बैठकों की तिथि हमने तय की है और जो हमारे शक्ति केंद्र स्तर पर जो कार्यकर्ता प्रवासी के नाते आए हुए हैं उन सब कार्यकर्ताओं ने से मैंने फीडबैक लिया है, बूथ का फीडबैक लिया है, कार्यकर्ता का फीडबैक लिया है और मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ भारतीय जनता पार्टी केदारनाथ के अंदर एक अच्छे मतों की और जीत की ओर बढ़ रही है।